मिसेस चावला, रियाज परफॉर्मेंस इन। सर, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं क्या? Why? Is there any problem? My English अच्छी नहीं है। मैंने बोला था ना मेरे साथ मत आओ, लेकिन आपको मेरी बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है। खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, लेकिन मेरे को तो इम्बैरेस मत करो सबके सामने। तो मिसेस चावला, मैं ये बता रहा था कि रिया बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और इसका फ्यूचर इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अवर स्कूल इज प्राउड ऑफ हर। और हमेशा तो मिस्टर चावला ही आते हैं पीटीएम में। हमने रिया को एक कंपटीशन में सिलेक्ट किया, तो एज अ पेरेंट आपका अप्रूवल चाहिए था। सर, इनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पापा ने पहले ही हाँ कर दी। ओह, दैट्स ग्रेट रिया। चलो तो फिर कंपटीशन की तैयारी करो। मैम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मैम, बच्चे भी आपकी तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आपका कोई स्टेटस हो। तो मैम, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आप इंग्लिश सीख लीजिए प्लीज। और हाँ, अगली बार से आप मिस्टर चावला को ही भेजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से दूसरे स्टूडेंटों पे भी गलत असर जाए। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। चले बेटा। हेलो मिसेस चावला, आई एम रियाज बेस्ट फ्रेंड मदर। अरे अरे, सॉरी सॉरी, आपको तो इंग्लिश आती नहीं है ना। मैं रिया की बेस्ट फ्रेंड की मम्मा हूँ। अच्छा रिया बेटा, मैंने देखा अभी क्या हुआ। डोंट गेट हर्ट बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इट्स ओके बेटा, इनको तो देख के ही लगता है कि किसी गाँव से आई है। मुझे तो आपको और मिस्टर चावला को देख के बहुत बैड फील होता है। अरे, एक एजुकेटेड फैमिली में एक अनपढ़ का होना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बोथ ऑफ यू। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है। 10वीं? 10वीं की पढ़ाई कोई पढ़ाई होती है? गांव का बंदा पढ़ा हुआ इतना ग्रो नहीं कर सकता। मैंने तो सोचा था मिस्टर चावला आएंगे, कुछ प्रोडक्टिव बातें होंगी। इट्स ओके, मैंने तो सोचा था मिस्टर चावला की मिसेज ब्यूटीफुल एंड एजुकेटेड होगी, लेकिन मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करके अपना स्टेटस नहीं गिराना है। मुझे तो लगता है खुद के साथ इस बच्ची की भी जिंदगी खराब कर दी। आज के जमाने में ऐसा कौन है जो इंग्लिश नहीं जानता है? और तुम, मुझे तो मेरे सर्वेंट से भी लोअर लगती हो। चलो बेटा, अपन चलते हैं। एक मिनट। अच्छा आंटी, एक बात बताओ, आप कितनी पढ़ी लिखी हो? मैंने MBA किया है बेटा। अच्छा, आपने MBA किया है? आप क्या काम करती हो वैसे? अरे मुझे क्या करना है, तुम्हारे अंकल का जो बिजनेस है, मैं हाउस वाइफ हूँ। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का जब आपके हस्बैंड के पैसों पर आपको ऐशी करना है। माइंड योर लैंग्वेज रिया। रिया, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? सॉरी बोलो आंटी को। किस बात का सॉरी? मैं इन लोगों ने आपकी इतनी इंसल्ट की है, इतना मजाक उड़ा, आप मेरे को सॉरी बोलने के लिए बोल रही हैं? ये पढ़ी लिखी भी नहीं है और इनको इंग्लिश भी नहीं आती, लेकिन ये सबसे बेस्ट है आप लोगों से। इनका खुद का बिजनेस है और इनको इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत कोशिश की सीखने की, लेकिन मुझे हिंदी में ही बात करने में अच्छा लगता है। और भाषा को लेकर किसी का अपमान करना, ये तो ठीक नहीं है ना। लेकिन आज मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से की है। आई एम सॉरी मम्मा, मैंने आपकी हमेशा इंसल्ट की। मैंने आपकी इंसल्ट की दूसरों के सामने क्योंकि आप इंग्लिश नहीं बोल पाती थी। लेकिन मैं जो कह पाऊंगी कि मेरी मम्मी पे मेरे को गर्व है। अच्छा है मेरी मम्मी आप जैसी नहीं है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सच कहा है। हम दिखावे के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं। हमें हिंदी पर गर्व होना चाहिए।